stay as calm as you can and keep moving. तो लंदन में आतंकी हमले के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे थे। आपको बता दें कि आज चैंपियंस ट्रॉफी में बर्मिंघम में भारत की टक्कर पाकिस्तान से होनी है। इस मैच को लेकर जी न्यूज ने तय किया है कि आज हम इस मैच से जुड़ी कोई भी खबर अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे। हम इस मैच की कवरेज नहीं करेंगे क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पाकिस्तान हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता कर रहा है, जो पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैला रहा है, उसके साथ भारत को अपनी ही नहीं बल्कि किसी भी जमीन पर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। जी न्यूज के इस स्टैंड के साथ देश के लोगों ने भी आवाज मिलाई है, क्योंकि आतंकी पड़ोसी से बदला मैदान पर नहीं बॉर्डर पर ही लिया जा सकता है। आतंक और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, ये बात हम लगातार कह रहे हैं। और देखिए, इससे पहले कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में मैच होता, 160 किलोमीटर दूर लंदन में आतंकी हमला हो गया। आतंकियों ने सबसे पहले लंदन ब्रिज पर लोगों को निशाना बनाया। तेज रफ्तार वैन में बैठे आतंकवादियों ने इस ब्रिज पर लोगों को कुचलने की कोशिश शुरू कर दी। लंदन ब्रिज पर लोगों को कुचलने के बाद आतंकी पास के एक मार्केट में घुस गए। बोरा मार्केट में घुसे आतंकी और यहां पर मौजूद लोगों पर चाकुओं से हमला शुरू कर दिया। सवाल है कि आतंक और खेल साथ साथ कैसे चल सकता है। लंदन आतंकी हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन पुलिस आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले के बाद लंदन ब्रिज को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर रखा हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं जिन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 लोग जिन पर आतंकियों ने हमला किया, और अभी अभी जो ताजा रिपोर्ट आ रही है, जो अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं, 9 लोगों की मौत हो चुकी है इस आतंकी वारदात में। तो जो संख्या पहले 6 बताई जा रही थी, वो आंकड़ा अब बढ़कर मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। 9 लोग इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि जिन 3 आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, लंदन पुलिस ने उन 3 को मार गिराने का दावा किया। पीएम मोदी ने लंदन हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि लंदन हमला चौंकाने वाला है और दुखदाई है। हम हमले की निंदा करते हैं। मेरी संवेदना मृतकों के परिवार के साथ है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से आतंकी हमले के बाद ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने इस हमले की निंदा की है और दुख जताया है, संवेदना व्यक्त की है मृतक के परिवारजनों के साथ। Current belief is that there were 3 attackers, but this is early on, so we've still got some inquiries to work through to be completely confident about that. There were 3 attackers in the vehicle. So the attackers from the vehicle have all been killed. So this is a protracted incident that starts on the bridge and finishes in Borough Market, and we believe 3 people were involved, but we've still got some more inquiries to do to be 100% confident in that. तो भारत पाकिस्तान के मैच से कुछ घंटे पहले लंदन में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सबसे पहले लंदन ब्रिज पर लोगों को वैन से कुचला, फिर बोरो मार्केट में लोगों पर चाकू से हमला किया। इसके अलावा वॉक्स हॉल में भी चाकूबाजी हुई है, लेकिन ये जो चाकूबाजी हुई है ये आतंकी घटना थी या नहीं, इसको लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। तो 2 घटनाओं के बारे में पुख्ता तौर पर कह दिया गया है कि ये आतंकी हमला था और 3 आतंकियों को मार गिराया है, इसका भी दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। लंदन पुलिस ने यह दावा किया। I see only 2 boys put the door in front with us, and the door is closing and then going another way. Just only I see that. Like they went to another restaurant in front, the street, just with knives and like
And how many people did you see them stab? I don't know, three, maybe more. I think more than five. और अब आपको लंदन हमले की 10 बड़ी बातों के बारे में जानकारी दे देते हैं। लंदन में दो अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। एक हमला लंदन ब्रिज पर हुआ, दूसरा पास के ही बोरो मार्केट में हुआ। लंदन ब्रिज पर आतंकियों ने लोगों को वैन से कुचल दिया। जिस गाड़ी में बैठकर आतंकी आए थे उसी गाड़ी से लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। बोरो मार्केट में कुछ लोगों पर चाकू से आतंकियों ने हमला किया। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी 3 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। आतंकी हमले के बाद लंदन ब्रिज बंद कर दिया गया। ब्रिटेन की पीएम ने हमले को आतंकवादी घटना करार दिया। पीएम थेरेसा ने सुरक्षा विभाग की एजेंसी जो है उनके अधिकारियों की बैठक बुलाई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है और जिस तरीके से इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है वो ठीक उसी तरीके से अंजाम भी दिया गया है जिस तरीके से आतंकी आईएसआईएस के इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इससे पहले चाहे बर्लिन में हो या फिर नीस में, जहां पर भी गाड़ी के जरिए लोगों को कुचला गया, इसी अंदाज में लोगों पर हमला किया गया, इसी तरीके से अटैक हुआ जिसमें लोगों की मौत हुई। और लंदन में ये हमला हुआ है 12 दिन के भीतर। ब्रिटेन में ये दूसरा बड़ा हमला है। एक हमला कॉन्सर्ट में हुआ था जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई थी, 22 लोगों की मौत हो गई थी, और अब ये दूसरा हमला जिसमें अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। भारत में लगातार भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच को लेकर विरोध चल रहा है। हम आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक करतूत भी जारी है। कल कृष्णा घाटी सेक्टर और पुंछ में पाक सेना ने मोर्टार दागे तो कुलगाम में सेना के काफिले पर हिजबुल के आतंकियों ने हमला किया और इस हमले में 2 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन हमारी क्रिकेट टीम फिर भी बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की तैयारी में है, और तैयारी नहीं बल्कि आज मैच खेलने जा रही है। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि आखिर आतंकवाद और मैच साथ साथ कैसे चल सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान आपके आतंकी भेजकर सेना पर हमले करवाता है, दूसरी तरफ आप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हमारे क्रिकेटर्स को भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, एक तरफ तो लंदन में जिस तरीके से हमला हुआ है आतंकियों का, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान समर्थित आतंकी भारत में हमले करते हैं, हमारे सैनिकों को निशाना बनाते हैं, हमारे बॉर्डर के इलाके में रह रहे लोगों को निशाना बनाते हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उसके बावजूद आज मैच होने जा रहा है। लेकिन अपडेट क्या है लंदन हमले को लेकर आपके पास? देखिए, जहां पर लंदन के लोग हताश हैं, परेशान हैं और जिस तरीके से धमाके हुए हैं, ऐसे वक्त में खुद ही क्रिकेट बोर्ड को ये पहल करनी चाहिए कि वो मैच को वो रद्द कर दें, क्योंकि जहां कोई वो इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं हो सकता ऐसे माहौल में जब लोगों को भयंकर चोटें आई हैं, जाने गई हैं, पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है कि इनके ऊपर लगातार ये अटैक हुए हैं। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, हमारे जवानों के सिर काटे गए और उसके बावजूद पत्थरबाजी हो रही है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी से लगातार इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से बड़े पैमाने पर भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकी भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में मैच कराने का कोई मतलब नहीं है। और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को भी खुद सामने आना चाहिए और बोर्ड को पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसे से बड़ा देश है जी। अभी किस तरीके से मैच होगा इस पर जरूर संशय के बादल हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मैच का टाइम नजदीक आएगा, क्योंकि जी बिल्कुल मनीष, और मनीष इसीलिए हम ये भी कह रहे हैं कि आखिर देश हित से खेल क्यों अगर एक तरफ पाकिस्तान आतंकी भेजकर आपके सैनिकों को, आपके सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकी हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेला जा सकता है, चाहे वो जमीन कहीं की भी हो।